हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन बैक टू डीएनए व्लॉग्स। दिस इज दिपिन फ्रॉम पुणे एंड थंबनेल पे से ऑफ कोर्स आपको पता चल गया रहेगा, वी गो टू अनबॉक्स हेलमेट। वेमार का हेलमेट है। वैसे मैंने इंट्रो यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया बिकॉज आई एम इन द पंचवटी एरिया ऑफ पुणे। एक बड़ा सोसाइटी है एंड बहुत सही सोसाइटी है, स्पेशली इन द रेनी सीजन बहुत ग्रीनरी हो जाता है एंड द लॉट ऑफ पीकॉक साउंड्स, पीकॉक्स अराउंड, सो आपको उनके आवाज़ भी सुनाई पड़ेंगे बीच बीच में, डोंट माइंड इट। सो नाउ लेट्स इमीजिएटली डाइव इन टू दी अनबॉक्सिंग एंड थोड़े से आपको फीचर्स उसके बताता हूँ। सो ये हेलमेट है वेमार का एंड जेफिर मार्स सीरीज है ये। सो द कॉस्ट आई थिंक इज 10,750 और 10,550 समथिंग ऑन दी वेबसाइट एंड स्पार्टन पे इनका ये चल रहा था, डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, सेल चल रहा था, तो मेरे दोस्त को मिला है ये 6270 में। एंड ये वही फ्रेंड है जिसकी फियाट आपने मेरे चैनल पे देखी है। अगर आपने वो फियाट के वीडियोस देखे नहीं है तो डू ब्राउज दी चैनल प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट। अब हो गया बहुत टाइम पास। ये मैंने सिर्फ लेबल निकाल के रखा था बिकॉज बैक साइड पे उसका नाम वगैरह है एंड वी ऑफ कोर्स डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज एड्रेस एंड ऑल। तो अब करते हैं क्विकली अनबॉक्सिंग। आई थिंक इट्स गोना बी दो बॉक्स होने वाले हैं एक के ऊपर एक। बाहर एक प्रोटेक्टिव बॉक्स रहेगा एंड बिकॉज इस पर ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह मेंशन नहीं किए हैं एंड प्रॉब्ली देयर विल बी वन मोर। यस, अंदर एक और हेलमेट का बॉक्स है। वाओ, दिस इज द इनवॉइस एंड ऑल एंड यू कैन सी वी गॉट इट फॉर 6270। सो अब इसको एक और स्टेप बाहर निकालते हैं। पिछली बार मैंने मेरे MT का हेलमेट का अनबॉक्सिंग किया था, तब आई कुडंट डू इट प्रॉपरली बिकॉज आई वॉज इन नासिक एंड आई डिडंट हैव माई ओन ट्राईपॉड एंड ऑल। तो आज थोड़ा तैयारी करके आए हूँ एंड लेट्स फर्दर अनबॉक्स इट। बॉक्स तो बहुत अच्छा लग रहा है, पैकिंग भी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज कम इन सेफली और एक्सटर्नल डैमेज कुछ भी नहीं दिख रहा है एंड हियर आर द स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल। सो ये आपको प्राइस दिख जाएगा यहाँ पे। द MRP इज 10,450 ओके एंड डिस्काउंट होने के बाद जो मैंने अभी प्राइस बताया 6270 वो गिरा है एंड इट इज द जेफिर, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस रॉन्ग, एंड द कलर इज मार्स नेवी फ्लू येल्लो, फ्लूओ येल्लो। सो अब करते हैं फर्दर अनबॉक्सिंग। बाय द वे फ्लूओ विल स्टैंड फॉर फ्लोरोसेंट। माई फ्रेंड हैज रिसेंटली परचेस्ड होंडा एंड उसका कलर भी येल्लो है, सो टू मैच दैट ही इज परचेस्ड दिस कलर। वैसे ये प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं रहेगा, मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। स्पार्टन इज पैक्ड इट रियली वेल, कूडोज टू देम फॉर सो मच पैकिंग, क्योंकि हेलमेट अगर सिक्योर आया तो ही यूज हो पाएगा। इट इज सेड दैट यू नो अगर हेलमेट दो तीन बार गिर जाए तो यू शुड नॉट बी यूजिंग इट एवर अगेन। एक बात अच्छा हो गया, ये बबल रैप है इसमें, सो दैट आई कैन अनबॉक्स इट ऑन द बबल रैप इटसेल्फ एंड हेलमेट डैमेज ना हो। द कवर ऑल्सो लुक्स रियली नाइस, जो हेलमेट का कवर है रियली लुक्स नाइस, मटेरियल इज गुड एंड निकालते हैं बाहर, इसको अनवील करते हैं क्या कलर है। आई होप एवरी वन इज रेडी एंड फॉरवर्ड करके नहीं देख रहे हैं। इट इज अ मैट हेलमेट, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट लाइक मैट हेलमेट्स, बट द कलर इज रियली ब्यूटिफुल। इट इज गॉट द ब्रांड रिटन ऑल ओवर इट, द मॉडल जेफिर। दीज आर द कलर्स and this size is M because मेरे दोस्त की साइज M है। By the way, usually you should not purchase helmets online directly without knowing the helmet size because again no, उसको वापस भेजने में लाने में बहुत गड़बड़ हो जाती है। So always probably try out a helmet at a local store near you and then if you're getting a good offer or something out from such websites, you can then purchase it from the website. So ideally our advice would be first to try out the piece in person and check the comfort level.
अब आगे बढ़ते हैं एंड वी जस्ट यू नो वंस वेरीफाइड द हेलमेट सब कुछ ठीक है कि नहीं बिफोर प्रोसीडिंग सो दैट यू नो अगर कुछ इशू है तो वी कैन रिपोर्ट टू स्पार्टन बिफोर शोइंग इट अहेड. तो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन हेलमेट में, किधर कुछ इशू नहीं है, स्क्रैचेज नहीं है, किधर भी कुछ नहीं है. इट वॉज सॉरी फॉर द गन नॉइस बिकॉज पास में मिलिट्री एरिया है, वहाँ पे टेस्टिंग बहुत होते रहता है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. अभी इसका बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द सर्टिफिकेशन. इस पर कुछ प्रिंट नहीं है यहाँ पे सर्टिफिकेशन का, बट ऑन द बॉक्स इट इज मैंशनड ईसी. तो बॉक्स पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंशन है इट इज ईसी सर्टिफाइड. एंड नेक्स्ट जम्पिंग ऑन टू द वेंट्स ऑफ द हेलमेट, तो देर इज वन इनटेक वेंट ओवर हियर. ये नीचे पुल करोगे तो यहाँ पे वेंट है. देन देर आर टू वेंट्स ऑन द टॉप इफ यू ओपन इट दिस वे, एंड देर आर दे ओपन एट टू स्टेज. ओके, ये एक स्टेज ओपन होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट ओपन एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज. तो दोनों साइड पे वैसे है एंड मैकेनिज्म में क्लिक इफेक्ट है, सो यू गेट अ प्रॉपर फीडबैक कि कितना ओपन हो रहा है. सो दोज आर द थ्री टोटल इनटेक वेंट्स एंड देर इज वन एग्जिट वेंट ओवर हियर जो कि यहाँ पे ऊपर है एंड इट इज क्वाइट बिग. मतलब जो ये हवा अंदर लेने वाला है पीछे से अच्छे से निकालने वाला है एंड द पर्सन इज गोइंग टू बी द पर्सन हु इज राइडिंग विद दिस हेलमेट इज गोइंग टू बी कूल इनफ इनसाइड. नेक्स्ट देयर इज आल्सो एन इंटरनल वाइजर इन दिस. दिस इज वन प्लस पॉइंट विच आई लाइक इन ऑल द हेलमेट्स बिकॉज ब्राइट सनलाइट में मैं खुद चला नहीं सकता हूँ. तो वेन एवर आई लुक फॉर हेलमेट्स आई ऑलवेज लुक फॉर वन विथ इंटरनल वाइजर. अनफॉर्चुनेटली मेरे एमटी में नहीं आया वो स्टिंगर में, वो मैंने मिस कर दिया. बट आई एम एंजॉइंग दैट एमटी हेलमेट फॉर द प्राइस. लाइट वेट वगैरह बहुत अच्छा है. एंड ये रहा इसका इंटरनल वाइजर. लेट्स पील दिस. टाइम लग रहा है बिकॉज इसका स्टिकिनेस काफी अच्छा है. एंड देयर यू गो, यू कैन सी मी इन द हेलमेट प्रोबेबली. So this is the internal visor, a very big plus point that you know I prefer. Operate bhi iska operation bhi acha hai. You're getting good feedback while operating. Then you got a option for installing Bluetooth over here. So yahan pe ek port diya hua hai. Probably Wemar has its own brand of Bluetooth that you can install here. And ab nikalte hain main visor ka protection cover. There you go, again gunshots. Oh god, I don't have nails, so this is a issue. And ye peel ho gaya iska cover. So the visor is a bit differently shaped. Yahan pe cuts hai, yahan pe cuts hai. And there's a good locking mechanism for the visor. If you look here, yahan pe visor andar lock ho jayega. And in foggy situations, there's a defogger here, and which is much better laid out than our empty helmets. Chopna Thunder 3 वगैरह उससे तो बहुत अच्छा layout है इसमें, and they're large vents. So this is going to defog the front windscreen very easily and अच्छे से fast करने वाला है. And probably it takes the intake from here. And my friend wore it. The size and all is really perfect. Cushion अंदर से अच्छा है. कंफर्टेबल है. नथिंग हर्ट्स इनसाइड, नथिंग शार्प और यू नो नथिंग एजी, क्वाइट सॉफ्ट एंड ऑल. ऑफकोर्स देर इज नो क्विक रिलीज इन दिस कुशंस, सो दैट्स अ स्मॉल डिसएडवांटेज. बट फॉर द प्राइस पॉइंट दैट ही इज गॉट द हेलमेट फॉर, आई डोंट थिंक सो इट शुड बी अ मेजर इशू. अगेन इसमें डी रिंग टाइप बेल्ट नहीं है. ये वाला फास्टनर्स है इसमें. आई यूजली प्रेफर दीज फास्टनर्स because you are able to you know put them on and off with your helmet with your gloves on also. D-ring mein kya hota hai, you cannot easily lock it and unlock it when your gloves are on. You get a small instructions manual iske sath mein, and again in the manual you also they provide some stickers. So if someone is a sticker fan or collects stickers, to isme aapko stickers bhi aane wale hain. I think these are reflective stickers, so this is a really nice touch. You can put it on the helmet. White usually goes on the front side. I wish they would have provided red ones also, which would have gone back. So
ये रिफ्लेक्टर्स का ऐसे होता है कि वाइट रिप्रेजेंट्स द फ्रंट ऑफ द बाइक और द फ्रंट ऑफ द व्हीकल विच हैज हेडलाइट्स ऑन, एंड द रेयर रिप्रेजेंट्स, द रेड कलर रिप्रेजेंट्स दैट इट इज द बैक साइड, यानी कि रेड टेल लाइट वगैरह ऑन है. साइड में यूजली इट कम्स एज ऑरेंज. सो इफ समन लाइक्स दिस, दिस इज अ प्लस पॉइंट. एंड देन इसका एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, प्रोबेबली यू नो इट विल शो हाउ टू वॉश, हाउ टू रिमूव, हाउ टू वेयर एंड ऑल दिस स्टफ. इट इज इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंग्लिश है, फ्रेंच है, लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 लैंग्वेजेस. So, as I said, they don't have emergency release, but of course these pads, the cheek pads, chin pads are all removable. Sub pe there's an option to remove them. So you can, there are buttons over here, you can unlock them, wash them once they're dirty or you know filled with your rain, mud or something like that. So aap nikal ke usko acche se you can clean them. Secondly, the chin curtain, they have not given a, what you say, net over here. Usually in helmets we found nets, but here we have a plastic covering. Okay, there's a plastic corner and a cloth, thick cloth is over here. I think because the net is not there, this is going to withstand the sound much more because it is quite thick and all. Okay, and there are small vents given over here. Pockets given over here for your Bluetooth speaker ka mounts. I mean, you can put in your Bluetooth speakers over here, and they are quite large. Matlab, they are the whole, the diameter is quite big. It is probably close to 1.75 or 2 inches ke aaspaas ka full diameter hai, where you can insert your Bluetooth helmet, Bluetooth ka intercom ka speakers. Again, the visor also is पिन लॉक रेडी. यहाँ पे उसके माउंट्स दिए हैं. ऑफकोर्स पिन लॉक साथ में आता नहीं, यू विल हैव टू बाय इट सेपरेटली. एंड द वाइजर ऑल्सो लुक्स लाइक अ क्विक रिलीज, सो यू कैन प्रोबेबली रिलीज द वाइजर फ्रॉम हियर एंड रिप्लेस इट वेन एवर यू वॉन्ट. इट इज नॉट अ परमानेंट वाइजर. सो द साइज एंड वेट, दिस इज साइज एम एंड 58 हेड सर्कमफेरेंस आपका होना चाहिए, 58 सेंटीमीटर्स. एंड द वेट इज 150 grams, मतलब 1.5 kilo के आसपास है. बट वेट यू नो वाइल लिफ्टिंग ऐसे लगता नहीं है कि हैवी है. इट इज एज प्रोबेबली लाइट एज माई स्टिंगर, स्लाइटली हैवी रहेगा बट रियली गुड. एंड बिकॉज दिस इज देर यू गो मो गन फॉर गन शॉट्स फायर्ड, बिकॉज इट इज मैट. थोड़ा सा आपको इस हेलमेट का यू नो ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज मैट कलर. Because matte usually, you know, it catches the dirt and all very easily on edges and all. So those who plan to purchase matte, be aware of that. Here's a small 360. So that's it guys, I will end the video here. If you have any questions regarding this, do let me know. If I missed out any points, and you know, if you want to know more info, I'll try to get it from my friend while he uses it, and I'll probably add his feedback also in the description after a month or so. Uska usage ke baad feedback kaisa hai. And yes, if you like the unboxing video, professional nahi tha because I don't like to do professional unboxing, natural lagna chahiye. That is why I'm sitting here and doing the unboxing. And yes, if any of your friends is interested in purchasing this helmet or wants to know about this helmet, do share the link with them. And yes, if you like the content on my channel, do consider subscribing it and hit the bell icon so that you receive all updates from me. Thanks for watching. This is Dipen from Pune and see you in a new video soon. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.